तापी पुराण और स्कंद पुराण में इस महादेव के मंदिर का उल्लेख है। समुद्र मंथन की कथा सब जानते हैं कि उसमें से अमृत और जहर निकला था, लेकिन और भी 13 चीज़ें निकली थी, उसकी कथा भी आपको सुनाऊंगा। सभी देवताओं ने जिस मंदिर के अंदर महादेव के सामने अमृत पिया था, उस मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। पूरे भारत में सिर्फ इकलौता मंदिर है जहां पे शिवलिंग 3 हिस्सों में बटा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसीलिए इन्हें दत्तात्रेय जी का प्रतीक भी माना जाता है। यूं तो कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरयू, शिप्रा, फल्गु, लेकिन पुराण सिर्फ 2 ही नदियों पर लिखे गए हैं, नर्मदा पुराण है और तापी पुराण है। तो तापी पुराण में इस मंदिर का उल्लेख है। मंदिर है तापी और समुद्र के संगम पर, जहाँ गंगा जी का संगम होता है उसे गंगा सागर कहते हैं, नर्मदा जी के संगम को महीसागर कहते हैं। यहाँ पे पुराने युग में तापी जी का संगम यही समुद्र किनारे पर हुआ था, इसीलिए शहर से दूर है ये मंदिर। में इतनी शांति होती है, अगर बैठ के ओम का नाद बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती हुई आएगी। तो सबसे पहले अभी आरती के दर्शन करिए। देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 13 चीज़ें निकली थी। पहला था कालकूट विष, जिसे महादेव ने ग्रहण किया, ये सब जानते हैं। दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों मुनियों ने ले लिया। तीसरे नंबर पर निकला उच्चेशव घोड़ा, जो असुरों के राजा ने ले लिया। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी, जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया, और देवराज इंद्र की सवारी है। भगवान इंद्र की मूर्ति अगर देखेंगे तो उसमें हाथी होगा, वो ऐरावत हाथी है। पांचवे नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। छठे नंबर पर कल्पवृक्ष, जो के सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो देवताओं ने कल्पवृक्ष को स्वर्ग ले गए और वहाँ पर स्थापित किया। सातवें नंबर पर निकली रंभा अप्सरा, जो देवताओं ने ले ली, जिसके बारे में ज़्यादा करके लोग जानते हैं। आठवें नंबर पर निकली लक्ष्मी माता, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो समुद्र से उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी जी पहले भी थी, लेकिन एक श्राप लगने की वजह से वो लुप्त हो गई और उन्हें लाने के लिए ही समुद्र मंथन किया गया था। तो वो लक्ष्मी जी गई विष्णु जी के पास। नौवें नंबर पर निकली वारुणी देवी, यानी नशा, यहाँ आप मदिरा, दारू बोल सकते हैं, जो असुरों के पास गई। इसीलिए आज भी अच्छा वाला भी इंसान भी अगर शराब ज़्यादा पी लेता है तो उसमें असुरी शक्तियाँ आ जाती हैं, उसका स्वभाव बदल जाता है। दसवें नंबर पर निकले चंद्रमा, जिसे महादेव ने अपने सर पर धारण किया। तो महादेव के हिस्से में एक जहर आया और एक चंद्रमा आया। ग्यारहवें नंबर पर निकला पारिजात वृक्ष, जिसे स्पर्श से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती थी, वो भी देवताओं के हिस्से में गया। 12वें नंबर पर निकला शंख, जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है, तो भगवान विष्णु ने दिया। तो भगवान विष्णु के हिस्से में लक्ष्मी जी आई, कौस्तुभ मणि आई और शंख आया। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शंख से अभिषेक किया जाता है, गलती से भी शंख से अभिषेक महादेव का नहीं किया जाता। 13वें नंबर पर निकले भगवान धन्वंतरी, जो कि आरोग्य के देवता हैं, यानी गुड हेल्थ के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश अपने हाथों में लेकर निकले थे, यानी 14वें नंबर की चीज़ थी अमृत कलश, जिसे पाने के लिए फिर से देवी और देवताओं के बीच में झगड़ा हुआ, और यहीं से इस मंदिर की कथा स्टार्ट होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमृत का कलश देवताओं के हिस्से में आया, लेकिन राहु कलश चुरा के भाग गया, और वो कलश की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ कुंभ का मेला लगता है। लेकिन जिस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे के पूरा कलश अमृत का देवताओं ने ग्रहण किया था। तो जब राहु कलश लेके भागा तो भगवान विष्णु को मालूम पड़ा, लेकिन राहु थोड़ा सा अमृत पी चुका था, तो राहु का सर कट के अलग हो गया। तो कटा हुआ सर कहलाया केतु, और राहु आज भी जिंदा हैं और वो नवग्रह में शामिल हैं, लेकिन बाद में पूरा कलश यहीं पर पिलाया गया। लेकिन जब कलश चोरी हो गया था तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप भक्ति करें महादेव की और उन्हें प्रसन्न करें। तब विष्णु जी आए और अमृत कलश लेके आए, और यहाँ पे उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, इसीलिए शिवलिंग भी तीन हिस्सों में है, इसीलिए इसे दत्तात्रेय का प्रतीक भी कहा जाता है। तो जिस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं वो हैं स्तैनेश्वर महादेव। तो इनका नाम स्तैनेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि स्तैन का मतलब होता है संस्कृत में चोरी करना। तो चोरी किया हुआ कलश यहाँ पे देवताओं को प्राप्त हुआ, इसीलिए महादेव की आराधना करके उन देवताओं ने इस मंदिर का नाम रखा स्तैनेश्वर महादेव। ये है टैना गांव में ओलपाड़, सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दूर। आगे भी दूसरे वीडियो में भगवान अय्यप्पा की कथा आपको सुना चुका हूँ, लेकिन यहीं पे भगवान अय्यप्पा की जन्म हुआ था। अय्यप्पा यानी भगवान शिव और विष्णु के पुत्र। एक राक्षसी थी हिरण्याक्षी, जिसे वरदान था कि उसे भगवान शिव और विष्णु के ही पुत्र मार सकते हैं। तो दोनों नर थे तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो यहीं पे भगवान विष्णु ने नारी का अवतार लिया था मोहिनी। मोहिनी और भगवान शिव की जो संतान उत्पन्न हुई वो थे अय्यप्पा। अय्यप्पा जी का मंदिर है केरल में। 365 मंदिरों के वीडियो हैं YouTube पर। रोज़ एक मंदिर का दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें रोज़ एक मंदिर के दर्शन। जैसे मैंने आपको वीडियो भेजा है और पुण्य की प्राप्ति हुई, आपने दर्शन किया, वैसे आगे ही 5 WhatsApp के ग्रुप में फॉरवर्ड करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि कितने लोग दर्शन कर रहे हैं और किन किन लोगों को मंदिर के दर्शन करने में आनंद नहीं आया या मेरे वीडियो में देखने में आनंद नहीं आया, वो भी ज़रूर कमेंट करें। Thank you.